मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सभागार में मौजूद उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण और भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जिन लोगों ने कि उत्तर प्रदेश में निवेश किया है, ऐसे उद्योग जगत से जुड़े मेरे सम्मानित महानुभाव, यह मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ है। शायद इसीलिए मुझे यहां पर कुछ कहने के लिए आमंत्रित किया गया है और इस उत्तर प्रदेश का, चूंकि मैं मुख्यमंत्री भी रह चुका हूं, शायद यह भी सोचकर उन्होंने आमंत्रित किया होगा। चूंकि हमारा यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पधारे हैं, इसलिए हृदय की गहराइयों से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका मैं स्वागत करता हूं। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिस कर्मठता के साथ उत्तर प्रदेश को एक न्यू हाइट देने के लिए, नई ऊंचाई देने के लिए काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि बहुत विस्तार में जाकर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उनकी कर्मठता, उनकी काल्पनिक क्षमता और त्वरित गति से किसी भी काम का निस्तारण होना चाहिए, इसके प्रति उनकी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, इससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। यही कारण है कि शायद उत्तर प्रदेश में निवेश तेजी के साथ बढ़ रहा है और आज पूरे देश में हमारा उत्तर प्रदेश आज दूसरे स्थान पर ईज ऑफ डूइंग के मामले में भी आकर खड़ा हो गया है। वैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारा भारत कभी ईज ऑफ डूइंग के मामले में 142वें स्थान पर 142 इस पोजीशन पर था, आज वह आकर 62 की पोजीशन पर हमारा भारत खड़ा हो गया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा कितनी तेजी के साथ बढ़ी है और उनका एक विजन है कि भारत का एक कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट होना चाहिए और इसी सोच के आधार पर सतत प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। दुनिया के दूसरे देशों में भी जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं कह सकता हूं अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है तो उसका श्रेय यदि दिया जाना चाहिए तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यदि कुछ बोलता था, उसकी बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए उतनी गंभीरता पूर्वक नहीं लिया जाता था, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो लोग कान खोल कर भारत की बातों को सुनते हैं। यह हैसियत अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की बनी है। आप सभी उद्योग जगत से जुड़े हुए महानुभावों का मैं विशेष रूप से यहां पर अभिनंदन करना चाहता हूं कि भारत के सबसे बड़े राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे बड़ा है ही, और मैं कह सकता हूं रिसोर्सेस के मामले में भी यह भारत और स्किल के मामले में भी हमारा यह उत्तर प्रदेश किसी से कम नहीं है। और आप सबने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेश करने का फैसला लिया है, मैं जितना इस प्रदेश को जानता हूं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, जितना प्रदेश सरकार के द्वारा सहयोग आप सबको प्राप्त हो सकता है वह निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वह पूरा का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। कामों का निस्तारण कितनी तेजी के साथ हो रहा है, अभी हमारे किसी सम्मानित उद्योगपति ने यह बतलाया कि एक महीने के अंदर एक मामले में क्लियरेंस हमको मिल गई, दूसरे मामले में 15 दिन में मिल गई, 2 महीने में मिल गई, इसकी संभवतः पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और मैं कह सकता हूं यह सब जो कुछ भी हुआ है उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है, लेकिन इसके पहले पीछे विजन और मार्गदर्शन यदि किसी का है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। सदैव मुख्यमंत्रियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना, घंटों उनको समय देना और साथ ही साथ कंसेप्ट देना, आइडियाज देना, यह प्रधानमंत्री जी की प्रकृति है। और नजदीक से मैंने देखा है अद्भुत काल्पनिक क्षमता के धनी हमारे यह प्रधानमंत्री जी हैं। आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल हार्दिक
अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी अपनी तरफ से धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।